हेलो गाइस, नमस्कार। आज अपन बेनिफिशियल स्कीम पोर्टल के माध्यम से स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने का प्रोसेस समझेंगे। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग द्वारा 5 प्रकार की नवीन छात्रवृत्ति योजना है जिनको शाला दर्पण के बेनिफिशियल पोर्टल से फिलअप करने का प्रोसेस है। तो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कि आप फॉर्म किस तरह फिलअप कर सकते हैं जो बेनिफिशियल पोर्टल बना हुआ है। सर्वप्रथम आपको शाला दर्पण ओपन कर देना है, जो कि शाला दर्पण का होम पेज इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ एक पॉपअप नजर आएगा जो कि कुछ इस तरह दिखेगा, जो बेनिफिशियल पोर्टल बना हुआ है। यहाँ पर सारे टैब रनिंग में चल रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बेनिफिशियल का पोर्टल है जो नज़र आ जाएगा। बेनिफिशियल के पोर्टल पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बेनिफिशियल पोर्टल जो नया बना हुआ है वो भी जैसे स्क्रॉल करते हैं तो इस तरह चलता है। देख पा रहे हैं, ये बेनिफिशियल पोर्टल आ चुका है। जैसे अपन ने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियल पोर्टल का टैब नज़र आ चुका है और यहाँ पर आपको लेटेस्ट जानकारी मिल जाती है और यहाँ पर जो सर्कुलर ऑर्डर जारी हुए हैं वो मिल जाते हैं और पब्लिक डाउनलोड के लिए भी जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी है, कौन कौन सी जो स्कॉलरशिप चलती है वो यहाँ पर ये टैब नज़र आ जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इनकी क्या योग्यता है वो भी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद में अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, वरना यहाँ पर देख सकते हैं टोटल बेनिफिशियल जो स्टेट लेवल की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और यहाँ आप जो थ्री डॉट का टैब दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी स्कीम संबंधी जो क्राइटेरिया क्या है वो सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। अब अपने को फॉर्म भरने के लिए स्कूल एंड ऑफिस लॉगिन का टैब नज़र आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये अपने को स्कूल लॉगिन के टैब पे लेकर जाएगा। यहाँ पर अपना प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, जो भी आपका स्कूल है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपका यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यूजर नेम, कैप्चा और पासवर्ड, ये जानकारी है जो आपके शाला दर्पण आईडी बनी हुई है स्कूल की, वो लॉगिन करनी है। जैसे यहाँ पर स्कूल लॉगिन हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट करनी है कि आप किस तरह का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जो कि अभी वर्तमान में 5-6 प्रकार के चल रही है। जैसे आप मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना है, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के स्टूडेंट है और स्टूडेंट यूनिफॉर्म वाला टैब है, उसके बाद में फ्री स्कॉलर साइकिल वाला है जो कर्स के लिए है, 6-8 के लिए जो UWS कैटेगरी की है, और घुमंती प्रजाति के लोग हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप है जो साइकिल का टैब है। उसके बाद में कस्तूरबा गांधी स्पेशल फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट स्कीम है। इनमें से जिस स्कीम के लिए आप स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, भी आपको डेमो के रूप में बता देता हूँ, उसके बाद में सबमिट करना होगा। जैसे आपने सबमिट किया, यहाँ पर है जो आपका स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप व्यू ऑल काउंट पे क्लिक करके आप जानकारी भी ले सकते हैं, कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, कितने पेंडिंग है, वो जानकारी मिल जाती है। उसके बाद जो थ्री डॉट का टैब दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको डैशबोर्ड नजर आ जाता है। उसके बाद में आपको फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई पे जाके करना है। आपको फॉर्म लॉक इधर से करना है और यहाँ पर फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं और स्कीम चेंज करना चाहे तो स्कीम चेंज कर सकते हैं जैसे आपने फर्स्ट में किया था, और उसके बाद में यहाँ पर लॉग आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी क्लास आ जाएगी, उसके बाद में स्टूडेंट आ जाएंगे, जिन स्टूडेंट का यहाँ पर चयन करना है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप आवेदन फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पर 2 चरण में कम्प्लीट होगा। एक बार आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद में आपको लॉग करना, और यहाँ पर कुछ जानकारी जैसे स्टूडेंट का आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड से लिंक्ड जो बैंक अकाउंट है, और उसके बाद में पर्सनल डिटेल और एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी और स्कूल डिटेल फिलअप करनी होगी। उसके बाद में आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों, ये आपको आदेश मिल ही चुका होगा शिक्षा विभाग का आदेश है, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की छात्रवृत्ति के फॉर्म है जो इस तरह यहाँ पर फिलअप होंगे। इसका आपको PDF का लिंक है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप यहाँ पर इसके माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कितनी किस तरह की छात्रवृत्ति है और किस तरह का इसका लाभ मिलेगा, क्या क्राइटेरिया, वो सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। तो एक बार इस आदेश को रीड आउट जरूर करें, उसके बाद में आप अपना स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।